आज मैं आपको इस वीडियो पर दिखाऊंगा गुरु नानक जी का ड्राइंग बहुत ही आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर A4 साइज़ का पेपर लेंगे, उसके बाद हम एक स्केल की मदद से ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर गैप पर मार्क करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। उसके बाद सेम हम नीचे की तरफ भी मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर गैप पर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये हमारे कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोनों मार्किंग को हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे। जब तक हम ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं तब तक मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इस तरह का ड्राइंग वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो पसंदीदा से जो मेरा चैनल है उसको एक बार देख लो। पहले चैनल को एक बार देख लो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी हमारा लाइन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर गैप पर मार्क करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था। उसके बाद नीचे की तरफ भी हम 2 सेंटीमीटर गैप पर मार्क करेंगे। उसके बाद जब मार्किंग कंप्लीट हो जाता है दोनों मार्क को हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक ग्रिड हम A4 साइज़ पेपर पर बना लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने से पहले जो हमारा बॉक्सेस था वहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, ऊपर की तरफ नंबर लिखेंगे और साइड की तरफ हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे ताकि जो हमारा बीच वाला बॉक्स है वो काउंट करने के लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया ग्रिड बनाना। ये इस तरह का एक ग्रिड आप भी बना लो। उसके बाद जब ये ग्रिड कंप्लीट हो जाता है हम गुरु नानक जी का ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक पर्टिकुलर बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ से 5 और नीचे की तरफ से जो ये वाला बॉक्स है E, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऊपर की तरफ से 5 और साइड की तरफ से E, जो ये पर्टिकुलर बॉक्स है यहाँ से हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। अभी से जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जिस तरह से मैं आपको बना के दिखाऊँ, बस उसको ही फॉलो करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ मत बनाना। जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कौन से बॉक्स पर मैं क्या बना रहा हूँ अच्छे से देख लो। साइड पर यहाँ पर नंबरिंग भी है तो अच्छे से आप ऑब्ज़र्व करो। ऑब्ज़र्व करके ही अगर आप ड्राइंग करोगे तो आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्ट होगा। और जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक ड्राइंग के लिए आप हमेशा टाइम दो, जितना आप टाइम दोगे उतना ही आपका ड्राइंग बेहतर होगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा इतना नहीं बोलूँगा, ज़्यादा यहाँ पर कुछ बोलने के लिए हैवी नहीं, क्योंकि ये ग्रिड टेक्निक है। ग्रिड टेक्निक बस फॉलो ही करना है अच्छे से ऑब्जर्व करके। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, वीडियो को अच्छे से देखो किस तरह से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप ड्राइंग करके इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये ड्राइंग करो तो मुझको इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हो। तो बस अभी वीडियो को आप अच्छे से देखो, और वीडियो अच्छा लगे और इस तरह का ड्राइंग वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मेरा चैनल को एक बार देख लेना, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना।
और इसी तरह से आप गुरु नानक जी का ड्राइंग बहुत ही आसानी से ग्रिड टेक्निक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप ये ड्राइंग करो तो मुझको इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो, और इस तरह का ड्राइंग वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं एक बार मेरा चैनल को चेक कर लेना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस भाई आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।